और बड़ी खबर आपको देते हैं। कठुआ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर के लिए कहा है, ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस तरीके से सेना ने पूरी घाटी में मोर्चा संभाला हुआ है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि आतंकियों से सरेंडर करने को कहा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। आप तो देखिए, कठुआ का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर फायरिंग की गई थी, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था, और दूसरे से देखिए जो सरेंडर करने की जो अपील है वो की जा रही है। और अब अजय से और जानकारी ले लेते हैं। अजय, ये वीडियो हमने देखा जहां पर जो सेना है, जो पुलिस है, वो सरेंडर करने की बात कह रही है, अब क्या जानकारी मिल रही है? क्या एक को तो ढेर कर दिया है आतंकी को, क्या एक ही आतंकी छुपा हुआ है या फिर और भी हो सकते हैं वहां पर? जी देखिए, कल जम्मू के एडीजी आनंद जैन ने ये साफ कर दिया था कि दो आतंकी थे जिन्होंने गांव पर जो है हमला बोला, और कुछ चश्मदीदों से एबीपी न्यूज़ ने बात भी की है, और उन दोनों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दो आतंकी थे, हथियारबंद थे, जिन्होंने पहले गांव में फायरिंग की और फिर कुछ ग्रेनेड लॉब किए, और एक आतंकी को मार गिराया गया था। वो कल रात ही एडीजीपी जम्मू ने क्लियर कर दिया था, और रात को पूरे जो सुबह का गांव है उस गांव को घेरेबंदी में रखा सुरक्षा बलों ने, और रात करीब 3:30 बजे कुछ गनशॉट्स हमें सुनाई दिए, और उन गनशॉट आतंकियों द्वारा चलाए गए गोली से सीआरपीएफ के एक जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए यहाँ पास ही हीरानगर के अस्पताल ले जाया गया है। तो वहाँ पर जो है एक आतंकी की प्रेजेंस गांव से सटे हुए, गांव से कुछ ही मीटर दूर एक नाले में पाई गई है, क्योंकि रात को उस आतंकी ने फायर किया था सुरक्षा बलों पर। तो वहाँ पर अब कंसंट्रेशन जो है वो उस नाले में है जहाँ से आतंकी ने वो फायर किया था, और वहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जम्मू पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एडीजी को यहाँ से जाते हुए देखा एनकाउंटर साइट की तरफ, तो वो वहाँ पर है, और कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि इस नाले में छुपे हुए आतंकी को ढूंढ निकाला जाए, और लगातार अब फोकस जो है वो उस नाले पर शिफ्ट हो गया है। हालांकि इसके साथ साथ गाँव में भी पूरी घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन एक आतंकी जो है वो अभी बताया जा रहा है जिंदा है, और वो इस नाले में जो कि इसके गांव के साथ ही है वहां पर छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए और जिसे अब जिसके खात्मे के लिए इंतजार कर रही है सुरक्षा बल। और जैसे ही उसकी कोई जो है जानकारी या उसकी कोई लोकेशन सुरक्षा बलों को मिलती है, मुझे लगता है एक फाइनल असॉल्ट होगा और उस आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आयुषी जी, तो अजय ये जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से कि एक आतंकी बचा हुआ है, जिससे आपने वीडियो भी देखा कि पुलिस कह रही है कि सरेंडर कर दे। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, इसी से जुड़ी हुई, रियासी हमले के आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। स्केच बनाया गया है जिसे जारी कर दिया है, 20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है पुलिस की तरफ से। रियासी में बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, और ये चेहरा आप देखिए, ये वही चेहरा है जो इस हमले में शामिल था, जिन्होंने कई बेगुनाहों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। और अब ये देखिए, ये स्केच बनाया गया है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने उन आतंकियों का चेहरा पहचाना था, अब उसी जानकारी के हिसाब से ये स्केच बनाया गया है। साथ ही साथ जो 20 लाख का इनाम है वो भी घोषित किया गया है पुलिस की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।